अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, साक्षी न्यूज सेंटर के खास कार्यक्रम विश्व खबरों में आप सभी का स्वागत है। भारत में बढ़ते कोरोना के मामलों से पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। वो ऐसे कि आप दुनिया के किसी भी देश का समाचार पत्र ऑनलाइन जाकर देखिए, पहली खबर भारत की है कि भारत में किस तरीके से संक्रमण ने पूरे देश को चपेट में लेना शुरू कर दिया है। और इसी को देखते हुए हर देश सतर्क हो गया है, अलर्ट हो गया है, अपने यात्रियों को, अपने नागरिकों को चेतावनी दे रहा है कि भारत की यात्रा ना करें, और कोई भारत से आने वाला है तो उसकी यात्रा को रोका जा रहा है, भारत से आने वाली उड़ानों पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है, भारत से जो लोग आ रहे हैं उनको पृथकवास में भेजा जा रहा है, कोई देश 14 दिन का पृथकवास में भेज रहा है, कोई देश 21 दिन के पृथकवास में भेज रहा है। और आप देखिए कि कुछ देशों में तो जो भारतीय लौटने वाले हैं, क्योंकि उनको डर हो गया है कि जहां जहां फ्लाइट सभी चल रही हैं, अपने अगर काम से हम वहां पर जाने वाले थे तो हम वहां पर लौट जाएं, तो उन फ्लाइट्स के जो टिकट के जो रेट हैं वो दुगने तिगने इस समय चल रहे हैं। आज की इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं कैसे दुनिया के देश भारतीयों के लिए अपने दरवाजे बंद करते जा रहे हैं। कोरोना ने भारत की एक जो छवि थी कि भारत इस महामारी से लड़ाई में विजेता बनकर उभर रहा है, उस छवि पर जबरदस्त आघात पहुंचाया है। हमने दुनिया के देशों की वैक्सीन डिप्लोमेसी के तहत काफी मदद की, लेकिन आज जब भारत महामारी से जूझ रहा है तो दुनिया के देश भारत के लिए अपने दरवाजे बंद कर रहे हैं। क्या है पूरा मामला, आइए आपको विस्तार से समझाते हैं। भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में बेतहाशा वृद्धि को देखते हुए कई देशों ने भारत यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया है, तो कई देशों ने भारत से अपने यहाँ आने पर या तो प्रतिबंध लगा दिया है या फिर भारत से आने वाले यात्रियों को पृथकवास में रहना अनिवार्य कर दिया है। ऐसे में वह लोग फंस गए हैं जो कि भारत आए हुए थे और अब वापस लौटना चाहते हैं। पहले से ही अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें कम चल रही हैं, ऐसे में एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय यात्री जहां तहां फंसे नजर आ रहे हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, हांगकांग, न्यूजीलैंड, यूएई, इजराइल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा आदि सहित कई देश भारत यात्रा से बचने की सलाह अपने नागरिकों को दे चुके हैं। संयुक्त अरब अमीरात की बात करें तो उसने कोरोना वायरस की खराब होती स्थिति को देखते हुए रविवार से 10 दिनों के लिए भारत से यात्रा पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। यह जानकारी मीडिया में आई खबरों में दी गई। गल्फ न्यूज ने खबर दी कि यात्रा प्रतिबंध शनिवार 24 अप्रैल की रात 11:59 से प्रभावी हो जाएगा और 10 दिनों बाद इसकी समीक्षा की जाएगी। खबर में कहा गया है कि पिछले 14 दिनों में भारत से गुजरे नागरिकों को भी यूएई में आने की अनुमति नहीं होगी। बहरहाल वहां के लिए प्रस्थान करने वाले विमान चलते रहेंगे। इसमें बताया गया है कि यूएई के नागरिक, राजनयिक पासपोर्ट धारक और सरकारी प्रतिनिधि मंडल को उपरोक्त शर्तों से छूट दी गई है। खलीज टाइम्स के मुताबिक एमिरेट्स, इतिहाद, फ्लाई दुबई और एयर अरबिया की वेबसाइट के माध्यम से यूएई से भारत जाने वाले विमानों की बुकिंग रोक दी गई है। उधर फ्रांस ने घोषणा की है कि भारत से आने वाले पर्यटकों पर वह नए प्रवेश प्रतिबंध लगाएगा ताकि कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सके। फ्रांस इससे पहले ब्राजील, अर्जेंटीना और चिली से आने वाले पर्यटकों पर भी पाबंदियां लगा चुका है। भारतीय पर्यटकों के प्रवेश पर शनिवार से नए प्रतिबंध लग जाएंगे। उधर अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वह भारत में कोविड-19 महामारी के प्रसार पर गहरी नजर रख रहा है। अमेरिका में रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र यानी CDC ने अमेरिकी नागरिकों को भारत यात्रा से बचने का परामर्श जारी किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेट प्राइस ने अपने दैनिक संवाददाता सम्मेलन में पत्रकारों से कहा, हम भारत में कोविड-19 के प्रसार पर गहरी नजर रख रहे हैं। अमेरिका ने कोविड-19 संबंधी यात्रा परामर्श के लिए 4 स्तरीय प्रणाली अपनाई है और ताजा यात्रा परामर्श में भारत को स्तर 4 यानी कोविड-19 के सबसे उच्च स्तर में रखा गया है। अमेरिका ने कहा है कि भारत में मौजूदा हालात के कारण टीकाकरण करा चुके यात्रियों के भी कोविड-19 के विभिन्न स्वरूपों से संक्रमित होने का खतरा है। यही नहीं, पाकिस्तान ने भी कोविड-19 मामलों में रिकॉर्ड वृद्धि के चलते भारत से यात्रियों के आने पर 2 सप्ताह के लिए रोक लगाने का फैसला किया है। पाकिस्तान के नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के प्रमुख
असद उमर की अध्यक्षता में आयोजित एक बैठक में भारत से यात्रा पर 2 सप्ताह की रोक लगाने का फैसला किया गया। इस संबंध में एक बयान में कहा गया है कि भारत को 2 सप्ताह के लिए श्रेणी सी देशों की सूची में रखने का फैसला किया गया है। हवाई और जमीनी मार्ग से भारत से आने वाले यात्रियों पर रोक रहेगी। उधर ब्रिटेन ने भारत को उन देशों की लाल सूची में डाल दिया है। इसके तहत गैर ब्रितानी और आयरिश नागरिकों के भारत से ब्रिटेन जाने पर पाबंदी रहेगी। साथ ही विदेश से लौटे ब्रितानी लोगों के लिए होटल में 10 दिन तक पृथकवास में रहना अनिवार्य कर दिया गया है। स्वास्थ्य मंत्री मैट हैनकॉक ने हाउस ऑफ कॉमन्स में इस बात की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन में कोरोना वायरस के तथा कथित भारतीय स्वरूप से पीड़ित होने के 103 मामले सामने आए हैं। इनमें से अधिकतर मामले विदेश से लौटे यात्रियों से संबंधित हैं। इसके साथ ही ब्रिटेन के हीथ्रो हवाई अड्डे ने शुक्रवार को कोविड-19 यात्रा संबंधी लाल सूची के प्रतिबंध प्रभाव में आने से पहले भारत से कम 4 अंतर्राष्ट्रीय विमानन कंपनियों को 8 अतिरिक्त उड़ानों को उतारने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। हवाई अड्डे की ओर से कहा गया कि अतिरिक्त उड़ानों के अनुरोध को स्वीकार नहीं करने का फैसला यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया है कि सीमा पर मौजूदा दबाव की स्थिति बिगड़े नहीं और आगमन पर पासपोर्ट नियंत्रण के बाहर लंबी कतारें तथा भीड़ नहीं लगे। दूसरी ओर सिंगापुर के विशेषज्ञों ने कहा है कि SARS-CoV-2 के 2 बार रूप परिवर्तित कर चुके नए स्वरूप के खिलाफ देश की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए भारत से लौटे प्रत्येक व्यक्ति को 14 दिन की बजाय 21 दिन तक पृथकवास में रखना होगा। द स्ट्रेट्स टाइम्स ने यह खबर दी। हालांकि इसमें कहा गया है कि भारत से आने वाले विमानों पर रोक लगाने की जरूरत नहीं है। इजराइल ने भी एक यात्रा परामर्श जारी कर अपने नागरिकों को आगाह किया है कि वे कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारत, यूक्रेन, इथियोपिया, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, मैक्सिको और तुर्की की यात्रा करने से परहेज करें। यह परामर्श उन लोगों के लिए भी है जो कोरोना वायरस के संक्रमण से उभर चुके हैं या टीकाकरण करा चुके हैं। इजराइल के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी बयान में 7 देशों में कोविड के खतरनाक स्वरूप के मौजूद होने का भी जिक्र किया गया है और लोगों को सलाह दी गई है कि अगर संभव हो तो वे इजराइल से बाहर की यात्रा करने से बचें। इजरायली समाचार पत्र हारेज की एक खबर के अनुसार स्वास्थ्य मंत्रालय के महानिदेशक चेजी लेवी ने कहा कि अब तक टीका नहीं लगवाने वाले विदेशी कामगारों और भारतीय छात्रों को यहां पृथकवास होटलों में रहना होगा। इजराइल में अब तक 50 लाख से अधिक लोगों को कोविड-19 के टीके लगाए जा चुके हैं और यहां रोजाना 100 से भी कम नए मामले सामने आ रहे हैं। उधर ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने घोषणा की है कि भारत सहित कोविड-19 के उच्च खतरे वाले विभिन्न देशों से आने वाली उड़ानों की संख्या कम की जाएगी। उन्होंने दुनिया भर में कोरोना वायरस से संक्रमण के मामलों में तेजी से वृद्धि के बीच यह घोषणा की। स्कॉट मॉरिसन ने कैनबरा में राष्ट्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कहा कि हम आने वाले महीनों में अपनी चार्टर्ड सेवाओं के तहत आने वाली उड़ानों की संख्या में 30% की कमी करने पर सहमत हुए हैं। इस बीच कनाडा की सरकार ने भारत और पाकिस्तान में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर इन देशों से सभी यात्री उड़ानों पर 30 दिन के लिए रोक लगा दी है। परिवहन मंत्री उमर अल खाबरा ने बताया कि यह प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं।